होती राय देंगे कहे साथी तो हम राय देंगे कहे साथी तो हम राय देंगे। थैंक यू। फाइनली मैं पहुंच गया, देख सकते हो सामने उधर लेमन चिली और ये है बुद्धा वेडिंग पार्क है। तो यहाँ पर ये सौरभ भाई का कार लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं मोटरसाइकिल और कार लगा हुआ। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। नहीं, बहुत सारे लोग देख सकते हो तो ऊपर से मुझे देख रहे हैं कि पता नहीं स्कैम ब्लॉग भाई आ गए। तो चलिए यार, बहुत सारा देख सकते हो पोस्टर भी लगा है। तो आगे चलते हैं, सौरभ भाई से मिलते हैं, क्या है नहीं सारा चीज़ पता चल जाएगा आपको। तो बने रहे मेरे साथ। देखिए किस तरह मतलब पोस्टर वोस्टर लगाया गया ऑडिशन का लेके, वो सामने में पोस्टर है और बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं देख सकते हैं। तो अंदर चलेंगे, इसके सामने से है ये बुद्धा वेडिंग पार्क। तो अंदर चलते हैं। फाइनली मैं अंदर आ चुका है, यहाँ पर अभी ऑडिशन चालू है। तो किस तरह सौरभ दिखा रहे हैं आपको, कुछ विशिष्ट अतिथि लोग भी आए। सो ये अंदर में मुझे भी बैठाया गया, बाहर से आ रहा है। सब फाइनली फ्रेंड्स इनका ऑडिशन हो गए। हिंदी फ्रेंड्स इधर देख सकते हैं सतीश भाई, उधर सौरभ भाई बैठे हैं, उधर केरी कुछ हमारे झारखंड और ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में है। कहाँ से आए भाई आप? धनबाद झरिया। फ्रेंड्स यहाँ पर सभी को रोका गया है, इस रूम में पानी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज आ रहा है। तो यहाँ पर ऑडिशन वाले जितने लोग हैं यहीं पर हैं और यहीं पर सौरभ भाई देख सकते हैं। ये सौरभ भैया जो कि उधर ऑडिशन चल रहा है वहाँ पर जज के रूप में भी बैठ रहे हैं और एक्टर यही है पूरा फिल्म में। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो दूर दूर से आए ऑडिशन के लिए। आप लोग कहाँ से आए? कुटकी से। आप कहाँ से? आप लोग झारखंड मतलब कौन से? आपको तो पहचान है शायद, ये आंटी आपको शायद देखे थे आरएस रिसोर्ट में, देखे थे एक बार गुंजन भैया का शूट में। ये आंटी का उसको उनको पहचान, इधर आपको पहचान लिया। अरे चचा को भी पहचान है जो अभी यहाँ पर थे, वो चचा। तो चलिए एसकेएम ब्लॉग सर्च मार लीजिएगा। ओके कोई दिक्कत, चलिए थैंक यू। काफी ज्यादा बारिश हो रहा देख सकते हैं इधर, और अभी इसी बीच में ऑडिशन चल रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर में। एक्टिंग जबरदस्त। सच में नहीं मार रहे थे तो। हम जैसे लोग आए, हम सोचे सच में को दुश्मनी है का। के कर संगे बिहा तो साय देंगे कहे साथी तो हमरा भुलाय देंगे कहे साथी तो हमरा भुलाय देंगे। प्यार के मोती है राय देंगे, प्यार के मोती है राय देंगे कहे साथी तो हमरा भुलाय देंगे कहे साथी तो हमरा भुलाय देंगे। थैंक यू। अरे तोहर हमर जोड़ी तानी जब तय बड़ी जोर गे जब तय बड़ी जोर अकनिया बन जो तो हमार गे तोहर हमर हो। थोड़ा सा बोल दीजिए अभी थाम लिया फाइनली। अब ऑडिशन होगा, कुछ बच्चे लोग हैं ना होने वाला है। तो ये रहे हमारे सौरभ भैया, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है ऑडिशन। बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, आप लोगों में वीडियो क्लिप में दिखाया। और यहाँ पर अभी जो भी लोग मुख्य अतिथि के रूप में थे तो यहाँ पर सबको थोड़ा सा हाई कर दीजिए। तो ये कुछ है, और जो मेन है आज के मुख्य अतिथि इधर है,
तो भैया लोग आप थोड़ा सा सबको आ जाएंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं लोग से कुछ दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या होगा नहीं होगा सारा चीज़ आप लोगों को मालूम चल जाएगा। भैया को बहुत बहुत बधाई आपका नया फिल्म के लिए, अभी से ऑडिशन चालू हो चुका है और मैं तो उतना खास मतलब जानते ना, पोस्टर में इनको देख रहे हैं जो कि सिवान से चल कर आए हैं और नीचे आपका उर्फ बुलेट शर्मा यानी कि जिला परिषद भी है सिवान के। और ज़्यादा परिचय मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं शॉर्टकट में, थोड़ा सा आप परिचय दीजिए क्या आज हुआ, क्या क्या प्रोग्राम आगे होने वाला है। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को, मैं अपने पूरे यूनिट के तरफ से तहे दिल से आपको और आपके चैनल पे जो भी डायरेक्टर हैं आप हैं या मैं खुद तो मेरे तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप खूब तरक्की करें। चलिए थैंक यू सर। मतलब अभी जो ऑडिशन हुआ आप कैसे लोगों को सिलेक्शन कर रहे हैं? जैसे अभी बहुत सारा मैंने देखा तो वो टैलेंट को देख के कि ऐसे लोगों को मतलब फिर भी की तरह भी चांस मिल जाएगा। ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि एकदम मतलब हम चीफ गेस्ट और हमारे भाई लोग हैं जो कि बहुत ऊंचे पद पे हैं, सभी लोग बहुत बारीकी से, हम सभी जितने भी लेडीज और जेंट्स कलाकार अपना कला के माध्यम से जो प्रस्तुति किए, वो सब लोग उसमें मंथन किए, विचार किए और इसमें कोई पैरवी और भी कुछ नहीं चलेगा, जो जैसा काम किया उस हिसाब से उसको काम मिलेगा। मतलब जेन्युइन जिसके अंदर में टैलेंट हो उनको आप लेने का कोशिश कर रहे हैं। टैलेंट के लिए ये फ्री एडिशन चल रहा है, सिर्फ टैलेंट के लिए, टैलेंट जो गांव में जो छुपा हुआ है उसको हम लोग बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मतलब युवाओं का जो प्रतिभा दबा हुआ है उसको हम लोग बाहर ला रहे हैं। तो सर ये शूटिंग आपका लोकेशन कौन से जगह में रहेगा? लोकेशन आपका आपको झारखंड रहेगा, नेपाल रहेगा, हो सकता है नैनीताल भी रहे और ये फिल्म बंगाल भी रहे, बंगाल आपके बगल में है, दार्जिलिंग रहे और इसमें प्रोड्यूसर जो है ना बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जितना कोयला का माल जो छुपा के ब्लैक मनी जो रखा गया ना सब वो बचा के रखा सारा चीज इन्वेस्ट मतलब भैया है तो वो सब अब ब्लैक मनी आएगा और इस पिक्चर में लगेगा और ये पिक्चर बहुत ही अच्छा, इस पिक्चर का कहानी है और बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करेंगे। और बताइए डॉक्टर साहब इसमें है तो मतलब लग रहा है कि झारखंड में भी अब कुछ होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, धमाका कुछ होने वाला है, झारखंड एकदम बिल्कुल होने वाला है, युवाओं एकदम समझ लीजिए कि बस अब झारखंड में बहुत कुछ होने वाला है। चलिए थैंक यू। अब मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? थोड़ा सा बोल दीजिए। अच्छा, मुंबई से आपका नाम हुआ कंचन संतोष चौधरी जी, तो चलिए थैंक यू। और इधर देखिए सबसे पहले अंकल भी साथ में सपोर्टर सहयोगी है, डॉक्टर साहब डायरेक्टर है, मैं पैसा लगाऊंगा इनके नाम पर, मैं पैसा अकेला से। सौरभ का पापा है, मतलब हम ये चीज बोलेंगे इनके जैसा पापा सबको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत दोनों में प्यार है, वो तो शुरू से मैं जाना। और सौरभ भैया आप बताए, आप इस फिल्म में मेन बोल सकते हैं हीरो, हीरो का बहुत ही मतलब अहम रोल रहता है, तो आप अपने इस फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को और जो झारखंड बिहार सारे ऑडियंस मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, तो उन लोग के लिए आप शॉर्टकट में कुछ बातें बोल दीजिए। नमस्ते प्रणाम, सबसे पहले हम ये सुमित झारखंडी ब्लॉग चैनल को देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से देखते हैं सबको मेरा दिल से प्रणाम। और ये पैसा ही प्यार आप लोग का फिल्म आ रहा है बहुत जल्द, आप लोग बस इस फिल्म को प्यार आशीर्वाद दीजिए और हम चाहेंगे कि आप लोग को काफी उम्मीद से अच्छा लगेगा, ये पारिवारिक फिल्म है और हम लोग बहुत तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज जैसे कि सर यहाँ मैंने कुछ देखा ऐसे कलाकार जो कि मुझे भी मालूम है कि उनके अंदर में टैलेंट है, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए थे, तो क्या उन लोग के लिए? देखिए वो तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब डॉक्टर साहब के द्वारा इतना अच्छा फ्री ऑडिशन आज लिया गया और जितने भी लड़के लड़की आए थे अपना वाकई में टैलेंट को दिखाए और बहुत टैलेंटेड, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे बहुत ऐसे टैलेंटेड मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है तो उनके बारे में बायोग्राफी मैंने चैनल पर बनाया हुआ है, तो उसमें से लगा कि उन लोगों को भी इस जगह पर रहना चाहिए, शायद उन लोगों को किसी कारण से उन लोगों के पास वो चीज सूचना नहीं पहुंचा होगा। हो सकता है मेबी पॉसिबल नहीं सूचना मिला होगा, तो आएंगे मिलेंगे जो प्रोड्यूसर जी हैं उनसे मिलेंगे तो जरूर उनके नाम पे भी विचार किया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम भी एक ऑडिशन होगा। मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पास भी कुछ ऐसे हैं और हमें लगता है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे बहुत सारे लोग कि मैं नहीं पहुँच पाया था किसी कारणवश से, तो मुझे लग रहा है कि झारखंड में ऑडिशन जिस तरह से हुआ और भी लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब टैलेंट उनके अंदर में रियलिटी और टैलेंट है। एक और मीटिंग होगा उसके बाद से हो सकता है कि जो छूट गए हैं तो झारखंड के लिए पिक्चर बन रही है तो उनको भी उसमें बुलाया जाएगा, वो फाइनल उस समय फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन
हमको लगता है कि एक हफ्ता के अंदर एक मीटिंग होगा, उसके बाद बहुत जल्द इसका मतलब इधर शूटिंग चालू होगा। अब बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे और कहानी बहुत मस्त है और यहाँ के लोग भी बहुत मस्त हैं, आप भी बहुत मस्त हैं और हीरो का क्या कहना है, मतलब हीरो का पर्सनालिटी देख लीजिए, जो हीरो में गुण होना चाहिए वो मतलब बहुत ही अच्छा। वो हमारे ऑडियंस कमेंट सेक्शन पर बता देंगे कि हीरो भी मतलब बोल सकते हैं सुपर स्टार एक तरह से। मैं चाहूंगा कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब आगे तक इस चैनल को ऑडियंस हमारा ले जाए। लव यू। आप लोग को सारा चीज जानकारी मिल गया है, अगर किन्हीं को लग रहा है कि मैं नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना और जो भी यहाँ का जो मुझे डिटेल मिल जाएगा तो सारा चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चलिए बस ये छोटा सा ब्लॉग था, ब्लॉग क्या है, बहुत बड़ा झारखंड में एक अच्छा चलिए इनका भी है तो मैं इनका भी ब्लॉग चैनल को ठीक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें, जितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े सबका डाल दूंगा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाय कर दीजिए मैडम अभी, बाय बाय, लव यू। जितने भी मेरे चाहने वाले दोस्त हैं आप सभी का अभिनेता के तरफ से दिल से लव यू, लव यू फ्रेंड्स, बाय।